सरो का। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका नगर संग्राम में। और रैया में इस समय चुनावी बयार चल रही है। यहां का चुनावी माहौल बड़ा ही गजब का दिखाई दे रहा है। चुनाव को लेकर प्राइम टीवी की टीम ने चाय पर चर्चा करते हुए लोगों की राय जानी। लोगों ने अपनी राय में बताया कि नगर पालिका चेयरमैन से इन 5 सालों में उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। नगर पालिका परिषद चलाते हैं कोई और जनता की राय में कहा गया है कि औरैया में हमेशा निर्दलीय प्रत्याशी की जीत होती है, लेकिन यहाँ की सड़कें अभी भी खस्ता हाल में दिखाई दे रही हैं। टूटी सड़कें और नालियां जाम रहती हैं। ग्यारह मई को औरैया में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर बिल्कुल फंस चुका है। आइए हमारे साथ में कुछ चाय पर चर्चा करने के लिए कुछ लोग बैठे हुए हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूँ उनकी क्या राय है, कैसा यहाँ का प्रत्याशी चाहते हैं, वो 5 सालों में तक क्या विकास कार्य में लोगों की राय लेते हैं। भैया भाई बता, नगरपाल का चुनाव आ चुके हैं और 11 मई को होने, क्या क्या जाए 5 साल क्या विकास कार्य विकास तो अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। ये डब्बे अब्बे रख दिए गए, जगह जगह बांटे गए हैं, कूड़ा उड़ा ना फैले और आने वाले समय में जो है देखो कौन चुना जाता है, किसको लाया जाता है, किसको नहीं लाया जाता है, कौन बनेगा चेयरमैन। पूर्व में चेयरमैन कौन था? पूर्व में चेयरमैन कौन था? अच्छा, लालजी शुक्ला थी, गायत्री देवी तो थी लेकिन मेन चीज लालजी शुक्ला थी। कभी चेयरमैन से मुलाकात हुई आपकी? वो डेली होती। आइए हमारे सामने कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं, उनसे भी जानना चाहता हूँ क्या उम्मीदें लेकर बैठे 5 साल। और लोग भी मैं जानना चाहता हूँ विकास कार्य को लेकर उम्मीद करें। दादा क्या नाम है? हमारा नाम अनवर अली है। अनवर जी ये बताइए कि 5 सालों में क्या विकास कार्य हुए? विकास तो होते करते विकास हो रहे हैं, देखा लालजी शुक्ला के इसमें विवाद हो रहे हैं और ठीक है, जो आगे आने वाला वक्त बताएगा कि विकास हो सकते कि नहीं हो सकते, जो भी चेयरमैन आएगा विकास ही करेगा। अब इससे क्या उम्मीद है पूर्व में उसको लाना चाहते हैं या वर्तमान और राजनीति में अगर बात की जाए तो यहाँ से समाजवादी के चलन है, भाजपा से भी है, दोनों समाजवादी से भी होगा, कांग्रेस से भी होगा, क्या कुछ बदलाव चाहते हैं क्या? अब जो निर्णय ज़्यादा यहाँ पार्टी लेवल का कम विकास समझ में आ रहा है, जैसे हमारे साथ और इन्होंने बताया जैसे निर्दलीय की ज़्यादा उम्मीदें हैं, इसके अलावा भी और हमारे साथ में लोग हैं, मैं उनसे जान चाहता हूँ। मैं भैया 5 साल नाली व्यवस्था की गई है, हर प्रकार की सुविधा है, निर्दलीय की ज़्यादा। जैसे कुछ लोग और हमारे साथ में अगर बोलना चाहेंगे तो उनसे बात, हमारे साथ में कुछ और लोग भी, मैं उनसे भी राय ले जाता हूँ। भैया नगरपाल का चुनाव आ चुके हैं, क्या राय होंगे अपनी बात, क्या मूव है? मूव तो वही है जो पिछली बार वही बार ठीक है और कोई सामने है भी नहीं है। इन 5 सालों में शहर में क्या क्या विकास कार्य हुए, क्या विकास तो मान लिया दिखा पड़ी में है, दिखाने में नहीं है। और वैसे तो काम पूरे दान डस्टबिन वगैरह घर घर पहुँचाया गया, बहुत बढ़िया काम हुआ है और उनका हमें कोई है भी नहीं है। सड़कों की अगर बात की जाए सड़कें जैसी कैसी है, वैसी थी। अगर यही बात की है कि लेकिन मार्केट यहाँ पर सड़कें इंटरलॉकिंग है, क्या स्थिति है उस टाइम की? स्थिति तो आप भी जानते हो, देख रहे हो आप खुद कैसी क्या है, ये सड़कें जैसी कस की कस है। जैसे कि प्राइम टीम ने लोगों से चाय पर चर्चा करी, वहीं कुछ व्यापारियों से भी बात करी, उन लोगों का कहना था है ये कि अभी तक जो विकास कार्य वो अधूरे हैं, जलभराव की समस्या को लेकर जूझते रहे। वहीं अगर लोगों से पूछा गया कि नगर पालिका चेयरमैन को लेकर कितने लोग जानते, तो उन्होंने कहा अभी तक हम लोग नहीं जानते, किसी और कोई और काम करता था। वहीं अगर विकास कार्य की अगर बात करी जाए तो शहर में अधूरी पड़ी सड़कें, आए दिन लोगों को जाम का सामना भी करना पड़ता है। प्राइम टीवी के लिए जयलता की रिपोर्ट।